सरकारी अस्पताल में बिना रिश्वत के इलाज नहीं, इलाज के लिए दर दर भटकते लोग, कब ऐसे रिश्वतखोरों पर होगी कार्रवाई। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां गोंडा जिला अस्पताल में कई बार मरीजों से पैसा वसूली यानी कि रिश्वत लेने की वीडियो सामने आ चुकी है, मगर इसके बावजूद भी ऐसे रिश्वतखोरों पर कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ वार्निंग देकर इन्हें छोड़ दिया जाता है। गोंडा का ये जिला चिकित्सालय इलाज के साथ साथ रिश्वत के मामले में भी जाना जाता है। बिना पैसे दिए मुश्किल है कि आपका इलाज यहाँ हो जाए। इसी तरह से आंखों का चश्मा बनाने के नाम पर तरबगंज के यासीन मोहम्मद डॉक्टर अशोक गुप्ता पर 500 रुपये लेने का आरोप लगा रहे हैं। 500 रुपये रिश्वत तो ले लिए, मगर चश्मा देने का जब वक्त आया तो मोहम्मद यासीन से डॉक्टर गुप्ता ने पर्ची लेकर ही फाड़ कर फेंक दी। इसके बाद इस पीड़ित ने डॉक्टर संजय शर्मा पर भी आरोप लगाया है कि 1500 रुपये बढ़िया वाला लेंस देने के नाम पर डॉक्टर शर्मा ने उनसे लिया है। गोंडा के सरकारी अस्पताल में रिश्वत का ये खेल चलता रहा और नतीजा ये सामने आया कि मरीज को जो दिखाई देता था वो धीरे धीरे दिखना बंद होने लगा। खुद सुने पीड़ित मोहम्मद यासीन क्या कुछ कहा है। ऑपरेशन आपने कराया है आँख का? जी जी। कब कराया? 16 दिसंबर का। कौन से डॉक्टर ने किया आपका ऑपरेशन? संजय शर्मा जी। तो क्या उसमें कुछ आपके द्वारा पैसा दिया गया है या उनके द्वारा लिया गया है? हाँ, 1500 रुपये। किसने लिया है? अरे अब उन्हें लेना के लिए। कहाँ के लिए लिए हैं, किस बात के लिए? तो आपने क्यों दिया? सरकारी अस्पताल तो मुफ्त है। कहेंगे हम बढ़िया हो गए, आदमी कहीं बढ़िया हो गए। अच्छा ऐसा है। अच्छा अच्छा, चलिए। तो और फिर आज क्या घटना घटी आपके साथ? अब हमें जो रोशनी रहा भाव कम हो गया, चश्मा लगाई तो कुछ दिखा था नहीं, तो साफ नहीं दिखा था। अच्छा, आप चेक करने के लिए आपने नेत्र परीक्षक अधिकारी को आपने आँख चेक करने के लिए 500 रुपये दिया? नहीं नहीं, अभी दिया, फिर दिया? नहीं, आपने पैसा दिया या नहीं दिया? चश्मा बनाने के लिए 500 रुपया दिया। कौन लिया है? वह जो चश्मा जो चश्मा चेक करते हैं वो लिए। उन्होंने लिया है जी। तो ऐसा आपने नहीं कहा कि फ्री है या मतलब जो है आप क्यों ले रहे हैं जी? आपने मना नहीं किया इसका पैसा? बढ़िया बाजार से बढ़िया बना दे, हम 500 रुपया ले लेते, ऐसा कम लगे हम बढ़िया बना दे। सुना आपने गोंडा के जिला चिकित्सालय अस्पताल का हाल। इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर घनश्याम सिंह ने भी कहा है कि मामला मेरे संज्ञान में है, अभी इन्हें वार्निंग दी गई है, अगर दोबारा ऐसी हरकत सामने आई तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर घनश्याम ने क्या कहा है सुनिए। कल एक शिकायत मिली है, मैं संभवता पेशेंट का नाम बसीर था, मोहम्मद यासीन यासीन, हाँ, उनकी तरफ से शिकायत मिली कि पहले तो ये कहा गया कि 500 रुपये चश्मे के लिए दिया गया था और जो चश्मा बन के आया उससे हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूछने पता चला कि जो शायद आँख की जांच करता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, उसको इन्होंने पैसा दिया था और चश्मा बाहर से बनवा के दिया गया था। फिर उसके बाद आगे उन्होंने ये बताया कि 1500 रुपये लेंस के लिए भी दिया था। ये बढ़िया लेंस के हमेशा वादा होता है, बढ़िया दर्जे का, इसका इतना रेट है। हाँ, तो जो उन्होंने बताया कि लेंस के नाम पे 1500 लिया गया कि हम अच्छा लेंस लगाएंगे, और ये तो सरकार लेंस सप्लाई कर रही है, फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध होती है, कोई पैसा दे नहीं होता है। अगर किसी को अपना अलग से लेंस लगवाना है तो उसको लिखित में पहले सहमति देनी पड़ेगी कि हम बाहर का ये लेंस लगवाना चाहते हैं, और मेरे परमिशन के बाद ही वो लग सकता है, क्योंकि कल अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है कौन जिम्मेदार है? अभी सरकार सप्लाई कर रही तो सरकार जिम्मेदार है। दोनों स्थितियों में यह है कि इनको ऑप्टोमेट्रिस्ट और जो सर्जन है डॉक्टर शर्मा, उनको दोनों को वार्निंग इशू की जा रही है, और हम आगे से ये कहेंगे कि इस तरह की शिकायत ना आए तो अच्छा है, हम पसंद भी नहीं करेंगे इस तरह की शिकायत। इस तरह से गोंडा के जिला चिकित्सालय में रिश्वत का खेल खेला जाता रहा और मरीज इलाज के लिए दर दर भटकते रहते। गोंडा से हामिद अली की रिपोर्ट, प्रहार टाइम्स।